भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के 47वें वर्स में कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि इंसान को केवल अपने कर्म का अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। और ये एक श्लोक मेरी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिविटल रोल प्ले किया है। इसको सुन के और भी अच्छा लगा है, बट जब असली में ये करने पे आते हैं या असली में हम समझते हैं इसको, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब भी हम कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे केस में जब मैंने पिकअप और डेटिंग अपनी बेटर करने का सोचा था, तो वहां पे हम क्या करते हैं ना, हमें रिजल्ट बहुत ही जल्दी चाहिए होते हैं। हमें चाहिए होता है कि यार मैं आज बाहर जाऊंगा, पहली लड़की से जिससे भी मैं बात करूंगा एकदम उसका फोन नंबर तो एटलीस्ट लेके आऊं ही। जब भी कोई गिटार बजाना सीख रहे होते हैं, हमें लगता है यार आज पहले दिन ही हम बुलेवार्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स उसके ऊपर बजा देंगे। बट जब असली में हम करने जाते हैं तो चीजें ऐसी होती नहीं है। और अगर हम ये श्लोक अपने दिमाग में नहीं रखते हैं, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें, फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वुड बी फ्रीडम फ्रॉम आउटकम। अगर हम आउटकम के ऊपर उससे फ्री नहीं है और उससे अटैच रहते हैं, तो हम कभी भी किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते। हम हमेशा निराश हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि हम हमेशा सोचेंगे कि यार इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, यार अब तो इतना टाइम बीत गया, मैं तो बेटर हुआ ही नहीं हूं। हमारी जो खुशी होती है वो हम हमेशा फ्यूचर के लिए रखते रहते हैं और हमारे ब्रेन को भी ऐसी ट्रेन कर रहे होते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आई वुड गो आउट एंड आई वांट टू मीट गर्ल्स। और शुरू में मेरी चीज होती थी कि यार अगर मैं एक लड़की को आज अप्रोच कर दूं ना, तो बस यार मतलब मेरा तो मजा ही आ गया। पहले बाहर जाता था, डर इतना लग रहा था, कभी अप्रोच करा ही नहीं। बट फाइनली जब जाके एक बारी मैंने अप्रोच करा, तब थोड़ी देर के लिए तो बहुत खुश हुआ, बट जैसे ही घर आया सोचा यार कल जाके ना अब अप्रोच तो कर लिया, अब कल नंबर लेके आना है। तो फिर जब अगले दिन गया, बात करी, बट नंबर नहीं मिला, फिर परेशान, फिर निराश। ऑल्दो प्रोग्रेस हो रही है, फिर निराश होकर घर आया, फिर ऐसा बार बार हुआ। महीने दो महीने बाद फाइनली एक लड़की का नंबर मिला, तो लगा यार अब तो सीन सेट है, बट अब क्या करना है, अब यार डेट पे जाना है। अब उस लड़की को टेक्स्ट करा तो नो रिप्लाई। फिर दोबारा बाहर गया, फिर नंबर लिए, कई नंबर लिए, कई लड़कियों ने रिप्लाई नहीं करा, फाइनली एक लड़की ने रिप्लाई करा, तो फिर थोड़ी मोमेंटरी खुशी हुई, बट फिर उसके बाद लगा यार अरे डेट तो गई है, बट इसके आगे गर्लफ्रेंड चाहिए। तो ऐसे करते करते हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं फ्यूचर हैप्पीनेस के लिए, बट जब वो फ्यूचर वाली जो हैप्पीनेस का पॉइंट होता है वो जब प्रेजेंट में आता है, तो थोड़ी देर तो मोमेंटरी खुशी होती है, बट हमारे ब्रेन की आदत क्या हो गई है कि हैप्पीनेस मिलेगी फ्यूचर में, तो हम अगले इवेंट के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो कभी भी खुशी होती नहीं है, बस निराशा ही निराशा होती रहती है। और एट द सेम टाइम जब मैं बाहर जा रहा होता था, पहले मैं कंपेयर कर रहा होता था अपने आप को दूसरे लोगों से, यार इस लड़की को देखो इसकी कैसी शक्ल है, इसकी पति इतनी हॉट है, इसको देखो इसको भी लड़की मिल गई है, साला मेरे को ही लड़कियां क्यों नहीं मिल रही हैं, मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूं या क्या सीन है कि मुझे लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं। एंड जब भी मैं बाहर जाता था, अगर किसी दिन नंबर मिल जाए तो मैं खुश, जिस दिन नंबर ना मिले मैं परेशान। मतलब 4 घंटे मैं क्लब में हूं, वो 4 घंटे में खुशी बस तभी मिलती थी जब या तो किसी का नंबर मिल जाए या कुछ बात आगे बढ़ जाए। इमेजिन अगर तुम 4-4 घंटे हफ्ते में 5 दिन बाहर जा रहे हो, जो मैं जा रहा था, 20 घंटे हफ्ते के, महीने के 80 घंटे और साल में तो पता नहीं कितने घंटे हो गए, इतने टाइम तुम बाहर जा रहे हो और खुशी मिल रही है बस 2-3 सेकंड की, मजा ही नहीं आ रहा है उस टाइम में। मजा ऑल्दो क्लब में जाके तुम्हें डांस करके आ सकता है, लोगों से बस नॉर्मली बात करके आ सकता है, बट हम अटैच होते हैं आउटकम पे। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा प्रोग्रेस हुआ है। यार 3 महीना पहले तो मैं कभी किसी लड़की से बात नहीं कर पाता था, बट अब मैं लड़कियों से बात कर रहा हूं, फोन नंबर भी मिल रहे हैं, यार तो क्या हुआ, मे बी कुछ हुआ नहीं, बट बातें तो आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस तो हो रही है, मैं चीजें सीख तो रहा हूं। और ये चीज हम दिमाग में रखते हैं जब भी बाहर जा रहा हूं मैं, ऑफ कोर्स वहां पे एक ओवर अ मैक्रो पीरियड ऑफ टाइम आई वांट एन आउटकम, आई वांट टू गेट गुड विद डेटिंग, आई वांट टू गेट अ गर्लफ्रेंड, बट उस पॉइंट पे जब मैं वहां हूं क्लब के अंदर, मेरे को बस अपने अगले स्टेप के ऊपर फोकस करना है, व्हिच इज टॉक टू वन गर्ल, लड़की से बस नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहा हूं और वो कन्वर्सेशन में मैं एंजॉय कर रहा हूं, आई एम हैविंग फन, ईच एंड एवरी मोमेंट आई एम एंजॉयिंग रादर देन थिंकिंग। जो एक फाइनल रिलीज है, एक फाइनल फन है, वो पूरी रात के एंड में ही आएगा, और जो तब भी आता नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, पूरे टाइम जब हम सोच रहे होते हैं ना यार आई एम गोना गेट लेट टुनाइट, आई एम गोना गेट दिस गर्ल्स नंबर, या ये लड़की मिल जाए, तो अंदर जो हमारी एनर्जी होती है ना बहुत नीडी हो जाती है, और लड़कियां दूर से ही सेंस कर सकती हैं कि यार ये बंदा डेस्परेट है, नीडी है, वर्सेस एक अच्छा सिनेरियो क्या होगा, अच्छा सिनेरियो होगा हम वहां जा रहे हैं, हम बस एंजॉय कर रहे हैं, वी डोंट वांट एनीथिंग, हमें पता है कि अगर हम अपना कर्म अच्छे से करते हैं तो फल अपने आप मिल ही जाता है। अगर फल नहीं मिल रहा है, देन ऑफ कोर्स आई नीड टू लर्न न्यू थिंग, आई नीड टू मे बी गेट कोचिंग, आई नीड टू लर्न फ्रॉम सम पीपल बेटर, तो उस मोमेंट पे मेरे को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो वो खुशी वापस आने लगे क्योंकि मैं प्रेजेंट मोमेंट पे अपने आप को एंजॉय करने लग गया, नीडनेस चली गई, उसकी वजह से लड़कियों के लिए मैं और भी अट्रैक्टिव हो गया, एंड देन आई स्टार्टेड हैविंग सो मच मोर फन व्हिच पुट मी ऑन अपवर्ड स्पाइरल, रोज की रोज मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, रोज की रोज मेरे को अमेजिंग फीलिंग आने लग गई, धीरे धीरे मेरे रिजल्ट्स भी आने लग गए, और हर एक चीज में अब मैं जो भी करता हूं अपनी लाइफ में दिस बिकम्स अ कोर टेनेट ऑफ दैट। ये चीज तुम्हारे लिए भी अगर तुम्हें अप्लाई करनी है तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू शुड डू। नंबर वन, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा टू बी हैप्पी इन द प्रेजेंट। एक बहुत आसान तरीका इसका होता है टू स्टार्ट मेडिटेशन। वंस यू हैव अवेयरनेस, तुम फ्यूचर में हो, तुम प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं हो, तुम अपने माइंड को कैच करने लगोगे कि भाई ये तो फ्यूचर में चला गया, भाई वापस आ जाओ, प्रेजेंट में रहते हैं, ये मोमेंट भी ठीक ही है, क्योंकि कुछ भी फ्यूचर में अमेजिंग सी चीज होगी वो होगी तो प्रेजेंट मोमेंट में ही। तो बार बार हमें फ्यूचर में ऑब्सेस क्यों करना है, हम यही रहेंगे, चिल करेंगे। दूसरी चीज है, स्पेसिफिकली बाहर जाओ एंड डू बैड अप्रोचेस, लिटरली रिजेक्ट हो, कुछ आउटकम रखो ही मत दिमाग में, मैं आज जाऊंगा बाहर और मैं बस फन करूंगा और मैं बस बुरी अप्रोचेस करूंगा, बिकॉज इमेजिन व्हाट वुड यू डू इफ यू वर स्टक ऑन एन आइलैंड विद जस्ट पीपल, एंड वहां पे एक रूल है, यू कैन नॉट हैव सेक्स।
विद देम, कोई भी बंदी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, बस तुम फन कर सके हो, देन व्हाट शुड यू डू? यू विल फिगर आउट फाइनली अ वे टू हैव फन. जब भी तुम ये सोच रहे हो ना कि यार एम आई प्रोग्रेसिंग और नॉट, बिकॉज इन द एंड हमें मैक्रो लेवल पे तो ग्रोथ चाहिए, तो कभी भी अपने आप को ना आसपास के लोगों से कंपेयर नहीं करना है. तुम्हें बस अपने आप को कंपेयर करना है अपने 6 महीने पहले के वर्जन से. तो 6 महीने के पीरियड के बाद ही हमें असली में जाके दिखता है कि यार मैं कितना ग्रो हो गया. एंड देन फाइनली जब भी तुम कुछ भी नई चीज सीख रहे हो, ओनली फोकस ऑन द स्टेप इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ द वे की आउटकम क्या है या मुझे ऐसा होना है या ये हो रहा है, जस्ट द नेक्स्ट स्टेप, वो जो टास्क है. जैसे एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, हम जब भी ट्रैकिंग जाते हैं ना, एक बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती है, वहां पे अगर हम एकदम ही ऊपर देखते हैं तो देन वी सॉर्ट ऑफ गेट स्कैर्ड, जान निकल गई है, एक स्टेप भी नहीं चल सकते हैं. सो उस पॉइंट पे अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं प्रेजेंट रहने के लिए और हम बस वी जस्ट फोकस ऑन लिटरली द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हाउ पीपल क्लाइंब द बिगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो जो भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीजें होती हैं लाइफ में, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके नहीं खत्म होती है, वो खत्म होती है एक एक चीजों से कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू डू. सो इन दिस केस इन डेटिंग, व्हेनेवर यू गोइंग आउट, रादर देन थिंकिंग यार आई वांट टू गेट दिस गर्ल्स नंबर, आई वांट टू यू नो गो होम विद दिस गर्ल, वो हमारा गोल नहीं है वहां पे. हमारा गोल 1 पर्सनल डेवलपमेंट है, एंड 2 जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट एक्शन. तुम्हारे नेक्स्ट एक्शन इस केस में क्या है, जैसे तुम बाहर जाते हो, जस्ट से हाय टू वन पर्सन. वंस यू सेड हाय, तब हम देख सकते हैं कि इसके आगे क्या करना है. धीरे-धीरे करते-करते वी आर स्टेइंग प्रेजेंट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द वे, बाय द एंड ऑफ इट वी गेट गुड, वी गेट ग्रेट रिजल्ट्स, और चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाती है. एंड दैट्स गोना बी ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस. इसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, बताना तुम्हारे रिजल्ट्स कैसे रहे. एंड इफ यू वांट मी टू कवर मोर टॉपिक्स लाइक दीस, या तुम्हारे कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं जिस पे तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज कॉल्ड मैनली मंडेज, एंड हर मंडे को हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जहां पे हम कुछ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑन यू नो अ प्रॉब्लम दैट मेन आर फेसिंग, ऑन एनीथिंग, ऑन डेटिंग एडवाइस, ऑन सेक्सुअलिटी, ऑन फैशन, ऑन ग्रूमिंग, या कुछ भी. कमेंट सेक्शन से हम अपने कम्युनिटी के क्वेश्चन लेंगे, जिसके ऊपर आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो एंड हेल्पिंग यू नेविगेट थ्रू दैट एक्शन ऑफ योर लाइफ. इफ यू लाइक द वीडियो गाइस, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, बैंक इट, स्मैश इट, डिमोलिश इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.